वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है नवरात्रि का पांचवा दिन, स्कंद माता का दिन है, जिन्हें आपने देखा होगा कि कमल के फूल के ऊपर जो विराजमान रहती है माता, आज उनका दिन है। तो आज बगल में बच्चे भी नहीं है, पूरा सुनसान है, कल भी सुनसान था। मैं भी शायद आज आ रहा, फयाज आए नहीं आए पता नहीं, कल तो वो बिजी थे दोनों। तो बस फिलहाल पूजा की तैयारी, रोज का रूटीन हो गया है, अच्छा लग रहा है कि सुबह सुबह मॉर्निंग हो जा रही है, वरना तो लेट उठते हैं, लेट सब चीज़ें होती हैं। बट हाँ, आजकल नवरात्रि की वजह से सब कुछ टाइम के हिसाब से हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। तो आप लोगों को भी यही बोलना चाहूँगी कि अच्छे से नवरात्रि मनाएँ, पूजा पाठ करें और ऊपर वाले को याद करें। गाइज, आरफ फयाज आ चुके हैं और आज करने के लिए सच में कुछ काम नहीं है, बगल में बच्चे भी नहीं हैं, तो इतना सूना हो रहा है। और यहाँ आप देख सकते हो शूट की तैयारी, तो मैंने सोचा शूट ही कर लिया जाए, तो हम शूट में लग गए हैं। अरे मेरे हिसाब से जला नहीं है, थोड़ा ज्यादा पक गया है। अच्छा, थोड़ा फेवरेट सूप बनाया। लेकिन कुछ उन्हें हैपनिंग तो हो, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या शॉर्ट है। आ रहा भी यारी प्लेट ब्रेड की, ये आ रहा टोस्टर, हल्का हल्का काला है ना, देख नहीं रहा। हां ठीक है, चलेगा, इसको ब्रेड और दो दिन दे दे। ठीक है, दो रखा भाई, दो रखो, रन कर रेडी। हां एक्शन, ये देखो ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, अगली बार चलाया ना तो तुम्हें चला दूंगी मैं। ठीक है, चलो पास आना पड़ेगा, तो बहुत से पास आना। ये लाइट में हॉल चला था ना, ये पीछे वाली वो है, पीछे से तेरा वो आता है। क्या लाइन का था? इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम कभी टोस्टर मत यूज किया। नहीं नहीं, मेरा मेरा यू रख, यू यू पकड़। इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम उस हाथ से करेगी कैमरा। हाँ ये थोड़ा मुझे नहीं, कैमरा कैमरा को यूं करना। ये चला दिया, चला दिया ना तो। अरे मेरी जान, जला नहीं है बस थोड़ा। पर जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ये जला हुआ तो जला नहीं है, ज्यादा पक गया दिख रहा है। जला तो नहीं है, ज्यादा पक गया। अरे इसको ज्यादा ज्यादा प्यार है, ज्यादा ही प्यार, यही चाहिए था मुझे, इसलिए मैं सोचा फिक्स कर दूंगा ना। चलो तुमने डायलॉग दे, छोड़ता ही नहीं जल्दी। कितने बजे की तुम्हारे पास घर के लिए 10 मिनट नहीं है? ये बेस सिर्फ गुस्सा करने के लिए नहीं है। तो गाइज आज का दिन अच्छा हुआ मैंने शूट कर लिया, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यूज कर लिया आज के दिन को, अदरवाइज मेरा आज का दिन बहुत ही बोरिंग, इतना बोरिंग होने वाला था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और व्लॉग भी देख लो आप, इतना सा ही बना है, सिर्फ सुबह की मॉर्निंग की पूजा बनाई थी, वो भी बगल वाली भाभी को बुलाया था, छोटी वाली को, उन्होंने शूट करके दिया था। तो अच्छा हुआ ये दोनों आ गए तो मेरा शूट हो गया, और शायद थोड़े दिनों में मुझे घर भी जाना है, तो इसलिए सोच रही हूँ कि अगर घर जाऊँगी तो जो भी रील्स वगैरह हैं, शॉर्ट्स वगैरह हैं, वो बना के अभी से रख लूँ, तो इसीलिए मुझे टाइम नहीं है। दूसरा, मैं बाहर जा नहीं सकती हूँ नवरात्रि की वजह से, तो आज के व्लॉग में इसलिए कुछ भी नहीं था। और इतना गंदा लग रहा है ना, इतना सूना हो गया है। रोज मतलब मॉर्निंग की पूजा तो डेली बेबी आ जाती थी नहा धो के, तो बेबी के साथ ही करती थी, और आज इतना बुरा लग रहा था, अकेले पूजा करनी पड़ी मुझे, क्योंकि आदत हो गई है बच्चों की भी, बेबी की, रानू की, सबकी आदत है, वैसे भाभी भाभी करते करते भी पहुंच जाती हूँ। तो बस फिलहाल आज यही सब हुआ है, बाकी सब ठीक है। पांचवा दिन हो चुका है नवरात्रि का और मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। मेरी मम्मा को बहुत टेंशन रहती है कि खाना नहीं खाती, कुछ नहीं खाती, ओनली फ्रूट्स पे है, फ्रूट भी एक दो खाती है, और कैसे रहेगी, तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ मम्मा, बिल्कुल टेंशन मत लो आप लोग। तो बस फिलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले दिखते रहिए गुंज ब्लॉग्स, देखना ना भूलिए गुंज वेव। थैंक यू सो मच। एंड हाँ, कांति भाई भी देखो यार, जिन लोगों को नहीं पता है, कांति बाई के एपिसोड जाके मेरे शॉर्ट्स में देखें। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।